भारत पाकिस्तान के महामुकाबले की महाकवरेज आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। अब सीधा रुख कर रही हूं एक बार फिर से कोलंबो का, जहां से मेरे सहयोगी जीएस विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विवेक के साथ बहुत सारे क्रिकेट फैंस भी हैं जो आज के इस मुकाबले को लेकर बहुत उत्साहित है। विवेक, जी हाँ बिल्कुल प्रीति, फैंस काफ़ी तादाद में अब धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे फैंस पाकिस्तान और इधर के सब यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत जल्द अभी हम आपको उनसे बातचीत भी कराएंगे। लेकिन रही बात आपकी कि मौसम कैसा है, मौसम तो बिल्कुल अच्छा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें, आसमान बिल्कुल साफ है, नीला है, तो आज के मुकाबले का रिजल्ट यहाँ पर जरूर आपको देखने को मिलेगा। और अगर रिजल्ट नहीं आता विवेक, तो उस परिस्थिति में भी एक ऑप्शन रखा गया है रिजर्व डे का। मेरे ख्याल से दर्शकों को एक बार फिर से समझा देते हैं कि रिजर्व डे का फंडा क्या होने वाला है। जहां मैच खत्म होगा बारिश के चलते, वहीं से अगले दिन पिक किया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल प्रीति, की जहां पर ये मुकाबला आज खत्म होगा वहीं से कल का मुकाबला रिजर्व डे में शुरू होगा। तो अगर आज पहले इनिंग के बाद दूसरे इनिंग में भी 10 ओवर हो गए तो कल जो मुकाबला शुरू होगा वो वहीं से शुरू होगा। तो जैस तो पूरा कोशिश यहां पर यह है कि पूरे मैच का एक रिजल्ट निकल के आ जाए, तो इसी वजह से रिजर्व डे रखा गया है ताकि मैच को रिजल्ट की तरफ लेके जाएं। तो जहां पर आज का मुकाबला खत्म होगा, अगर ऐसा होगा, क्योंकि वेदरमैन ने यह कहा है कि शाम चलते चलते बादल आ सकते हैं, बारिश भी काफ़ी भारी आ सकती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जहाँ से आज का मुकाबला खत्म हुआ है ठीक वहीं से ही ये मुकाबला कल शुरू होगा। तो चलिए विवेक, ले चलिए कुछ फैंस के पास, बात करवाइए सबसे। लोग क्या कह रहे हैं, आज कौन जीतेगा, बाबर की सेना या रोहित की आर्मी? या मैं आपको लेके जा रहा हूँ, मैं आपको अभी लेके आ रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया रोहित, वो जो है, क्या लगता है आपको आज रोहित रन बनाएगा? यह जैसे कि लास्ट टाइम 2019 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 140 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई थी, आज वही दोहरा होगा। मतलब लास्ट टाइम जैसे लास्ट मैच में देखा नेपाल के खिलाफ रोहित शर्मा अच्छे टच में थे, वही फॉर्म बरकरार रहेगा और अच्छी इनिंग के साथ हमको देखने मिलेगा और टीम इंडिया जीतेगी। अच्छा, ये रोहित की दीवानगी क्यों इतनी? एक्चुअली क्या है, जो टचवुड है पहले से, बहुत पहले से, और रोहित शर्मा नागपुर के है तो उनके खिलाफ प्रेम बढ़ जाता है, क्योंकि मैं भी नागपुर का ही हूँ और रोहित सर से पहले से लगा हुआ है और फिर ये बॉडी पेंट करके अभी कंटिन्यू चल रहा है और ऐसे ही प्यार करता हूँ रोहित सर को। कितना समय लगता है ये पूरा मैच की आपकी तैयारी के लिए? जैसे कि देखा जाए तो कल मैं 2 बजे से रात को पेंट किया, तो सूखने को टाइम लगता है क्योंकि ये ऑयल पेंट है, कम से कम 8 से 9 घंटे इसको लगते हैं। हम ऐसे और निकालने को आपके जरिए लगातार बात करते रहेंगे। रात के 2 बजे से तैयारी में जुटा है ये शख्स और अब मैच हो जाए बस, पूरे 100 ओवर का सबकी यही दुआ है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।